नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल, बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट। कांग्रेसियों को भाजपा में शामिल करने के लिए अभियान चलाएगी भाजपा। हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में बोले भाजपा नेता दीपक शर्मा। कृषि व बागवानी अधिकारियों के रोष प्रदर्शन ने 22वें दिन में किया प्रवेश। वर्ष 2011 से पंजाब की तर्ज पर संशोधित वेतनमान लागू किए जाने की उठाई है मांग। मंडी के मेथोडिस्ट चर्च में मनाया गया ईस्टर का उत्सव। लोगों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर लिया भाग। प्रभु यीशु मसीह के बताए मार्ग पर चलने का दिया गया संदेश। मनाली में भारत बुकिंग हॉलिडे ने मनाया अपना 7वां वार्षिक उत्सव। विधायक गोविंद सिंह ठाकुर कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। भाजपा प्रदेश भर में एक अभियान चलाएगी। जो भी कांग्रेसी आहत है उन्हें भाजपा में शामिल किया जाएगा, ये कहना है भाजपा नेता दीपक शर्मा का। हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में दीपक शर्मा ने कहा कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ता काफी आहत है और वह भाजपा की नीतियों को मानते हुए भाजपा में शामिल होने के लिए बेताब है। भाजपा नेता दीपक शर्मा द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए दीपक शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को उसके प्रदेशाध्यक्ष सुपिंदर सिंह सुक्खू ने ही डुबोया है। उन्होंने भोरंज उपचुनाव के दौरान धूमल के साथ करीब 36 जनसभाओं में भाग लिया। इस दौरान 100 से ज्यादा कांग्रेसियों ने भाजपा का दामन थामा है। अभी और भी सैकड़ों कांग्रेस छोड़ने को तैयार है। उन्होंने कहा कि सीएम वीरभद्र सिंह और सुक्खू के खिलाफ भ्रष्टाचार के काफी मुद्दे थे। भाजपा की जीत में यह भी एक अहम रोल रहा है। शर्मा ने कहा कि सुजानपुरी नेता कहलाने वाले जहां भी गए वहां ही कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है, जिसका उदाहरण सुजानपुर विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और अब भोरंज उपचुनाव है। नगर निगम शिमला में युग हत्याकांड रहा है। कांग्रेस ने वहां जो रोल अदा किया उसी कारण उनके कांग्रेस के साथ मतभेद उभरे थे। और जहां जहां वो लोग गए वहां वहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता गया, चाहे वो सुजानपुर का उपचुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे अब भोरंज का उपचुनाव हो। कांग्रेस में सत्ता के दलाल बेनकाब हुए हैं, जिनका शपथ पत्र अपने आप में जनता को गुमराह करने वाला, भ्रमित करने वाला है। अगर वो सही हैं, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू बताएं कि उन्होंने अपने शपथ पत्र में ये जो 193 कनाल गैर मुमकिन दरिया खरीदा है, इसका कहां मेंशन किया है उस अपने शपथ पत्र में। आप भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर इस चीज को चेक कर सकते हैं कि उन्होंने इसका कहीं जिक्र नहीं किया है। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत पत्ता की रिपोर्ट। वैश्विक उष्मीकरण एक गंभीर चुनौती बनकर उभर रही है। पर्यावरण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, ताकि मानव जीवन को इसके दुष्प्रभावों से बचाया जा सके। ये बात राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने हमीरपुर में आयोजित सफाई अभियान के दौरान कही। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने जिला प्रशासन हमीरपुर द्वारा क्षेत्रीय अस्पताल परिसर में आयोजित सफाई अभियान में भाग लिया। उन्होंने इस अवसर पर अस्पताल के वार्डों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को वार्डों में सफाई व्यवस्था बनाए रखने तथा रोगियों को गुणात्मक सेवाएं सुनिश्चित बनाने के भी निर्देश दिए। राज्यपाल ने इस दौरान स्वयं झाड़ू उठाकर अस्पताल परिसर की सफाई की। स्वच्छता अभियान का शुभारंभ करते हुए राज्यपाल ने कहा कि वैश्विक उष्मीकरण एक गंभीर चुनौती उभर कर सामने आ रही है। पर्यावरण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, ताकि मानव जीवन को इसके दुष्प्रभावों से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि मानव प्रत्येक आवश्यकता के लिए प्रकृति पर निर्भर है और प्रत्येक नागरिक को इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए अपना योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पृथ्वी तथा पारिस्थितिक के संरक्षण के लिए समुदाय तथा निजी स्तर पर पहल की जानी चाहिए और इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए, ताकि प्रत्येक नागरिक इसमें शामिल।
शामिल हो सके। उन्होंने प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की बधाई देते हुए कहा कि सभी को भाईचारे के साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। हिमाचल डे पे मैं समस्त प्रदेशवासियों को हिमाचल डे की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। हम सबको मिलजुल कर सद्भावना के साथ अपने प्रदेश के विकास उन्नति के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए, जिससे हमारे प्रदेश की उन्नति बराबर होती रहे, आपस का भाईचारा फलता फूलता रहे और प्रदेश समृद्धि की ओर बढ़े, ऐसी मेरी शुभकामना। उन्होंने युवाओं को सफाई अभियान में शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पर्यटन राज्य होने के नाते और भी आवश्यक हो जाता है कि प्रदेश के सभी शहरों को स्वच्छ व साफ सुथरा बनाया जाए। इस दौरान राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने हमीरपुर बाजार का दौरा भी किया तथा बच्चों से खुलकर संवाद भी किया। उपायुक्त मदन चौहान व अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर राज्यपाल के साथ थे। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। प्रदेश में कृषि अधिकारियों को वर्ष 2011 से पंजाब की तर्ज पर संशोधित वेतनमान दिए जाने की मांग को लेकर काले बिल्ले लगाकर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको आज 22 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार इस मांग की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसी मांग को लेकर जिला सोलन के कृषि व बागवानी अधिकारियों द्वारा एक दिवसीय जिला स्तरीय किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। सोलन के कृषि व बागवानी अधिकारियों द्वारा काले बिल्ले लगाकर विभाग का कार्य शांतिपूर्वक किया जा रहा है, ताकि जिला के किसानों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। कृषि बागवानी एवं सेवानिवृत्त अधिकारी सेवा संघ के बैनर तले 26 मार्च से शुरू हुआ रोष प्रदर्शन 21वें दिन भी जारी रहा। इसी विषय को लेकर सोलन में कृषि बागवानी एवं सेवानिवृत्त अधिकारी सेवाएं संघ द्वारा किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जिला भर के करीब 200 प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। एक दिवसीय गोष्ठी की अध्यक्षता संघ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर ने की। संघ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर ने बताया कि कृषि अधिकारियों को वर्ष 2011 से पंजाब की तर्ज पर संशोधित वेतनमान लागू किए जाने को लेकर प्रदेश कृषि सेवा संघ द्वारा विभिन्न स्तर पर मांग को उठाया गया है, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक इस लंबित पड़ी मांग को पूरा नहीं किया गया है, जिसके विरोध में जिला के कृषि अधिकारियों द्वारा 26 मार्च से काले बिल्ले लगाकर कार्यालय में कार्य किया जा रहा है। हमने आज एक किसान गोष्ठी की, अपनी बात किसानों के बीच में लेके गए, उनका समर्थन हमारे मिला। किसान भाई बहन 500 की तादाद में आज हमारी बात सुनने आए। उन्होंने एक सुर में हमारे साथ नारा लगा के हमारे साथ कंधे खड़ा होने का आश्वासन दिया, क्योंकि हमारे अधिकारी उनके साथ दिन रात लगे हैं, हम उनकी मेहनत कर रहे हैं। आज जो खुशहाली प्रदेश में हो रही है, वो हमारे ऑफिसर्स की कड़ी मेहनत की वजह से हो रही है, जो किसानों के बीच में जाके उनको नई तकनीक, नई रोजगार, नए सिस्टम बता रही है। ये आज हमने इस रोज के लिए उपवास भी रखा है और किसानों के साथ हमारी सीधी बात भी हुई। अगला कदम हमारा ये होगा, शायद हम एक दिन के लिए स्ट्राइक पे जाएं, कैजुअली पे जाएं, अगर तब भी बात नहीं बनी जाएगी, हो सकता है कि किसान भाइयों ने जैसे आज आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ कंधे से कंधा खड़े होकर मोर्चे पे आ जाएंगे, तो ये मोर्चे की आमने सामने की लड़ाई हो। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार इस मांग को पूरा नहीं करती, तब तक ये रोष प्रदर्शन जारी रहेगा। इस दौरान उपस्थित किसानों को प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही कृषि व बागवानी की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की भी अधिकारियों ने जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल सोलन। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए के चैनल। कांग्रेस सेवा दल प्रभारी प्रदेश संगठन प्रेमलाल गुड्डू की ओर से सभी सुंदरनगर वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को राज्य स्तरीय नलवाड़ एवं देवता मेला 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ मेले में भाग लेकर आपसी भाईचारे को और सुदृढ़ बनाने का प्रयास करें। महाराजा लक्ष्मण सेन मेमोरियल कॉलेज सुंदरनगर, हार्डियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन ऑफ नलवाड़ एंड देवता फेयर 2017, एस्टेब्लिश्ड इन 1976, एफिलिएटेड टू HP यूनिवर्सिटी शिमला, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCT एंड UGC अप्रूव्ड एंड वन ऑफ द पायनियर इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन इन द स्टेट, ऑफर्स BA, BSc, BCom, BBA, BCA, BPE, BPEd, BEd, MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Biology, MSc Geology।
फॉर एडमिशन रिलेटेड इंक्वायरी प्लीज कॉन्टेक्ट डॉक्टर पवन कुमार चंबाल प्रिंसिपल। सनमार परिवार की ओर से सभी सुंदरनगर वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को राज्य स्तरीय नलवाड़ एवं देवता मेला 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। सारे विश्व में शांति कायम रहे और सभी में मानवता की भावना जागे ताकि इस संसार में बुराई का खात्मा हो सके और अच्छे समाज की नींव रखी जा सके। इसी प्रार्थना के साथ मंडी में प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान दिवस यानी ईस्टर का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंडी में क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रार्थना सभा, आराधना के साथ साथ अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। मंडी के मेथोडिस्ट चर्च के पास्टर जनकराज के अनुसार बीते फ्राइडे को संसार में मानवता के कल्याण के लिए यीशु ने अपना बलिदान दे दिया था और संडे के दिन वे कब्र से फिर जिंदा हो गए थे। उसी दिन को ईस्टर के तौर पर मनाया जाता है। पादरी के अनुसार प्रभु यीशु मसीह आज भी उन लोगों के साथ खड़ा है जो मानवता के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है या उसके बताए मार्ग पर चलता है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को यीशु मसीह के वचनों से रूबरू करवाया गया और उनके बताए मार्ग पर चलने का लोगों से आह्वान भी किया गया। एक गुड फ्राइडे वो दिन है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह सारी मानव जाति के लिए एक महान बलिदान किया था और फिर उसको कब्र में रख दिया गया और तीसरे दिन मृतकों में से वो जी उठा। और वचन के मुताबिक जो है प्रभु यीशु मसीह का जो दिन, जो पर्व है, जो पुनरुत्थान जो पर्व करके मनाते हैं, पुनरुत्थान हुआ है जो ईस्टर करके भी उसको बोलते हैं, तो उस पर्व को हमने आज सेलिब्रेट किया है और प्रभु ने इसमें हमारी बहुत मदद की है। आयु संगत के लिए हमने आज भी सबके लिए प्रार्थना किया, सबका स्वागत किया और सबके लिए मिठाइयाँ बांटी, सबको मिठाइयाँ भी खिलाई हैं और मंडीवासियों के लिए भी हमने जो है दुआ की है कि मंडीवासी भी सुखी रहें, परमेश्वर उनको भी आशीष दे और सबको उनके पापों से मुक्त करके एक ऐसा जीवन देने के लिए प्रेरणा मिले परमेश्वर की कि जिससे वो एक अच्छे इंसान, एक अच्छा मानव बन के संसार में रह सके। कार्यक्रम में शहर भर के लोगों ने भाग लिया और एक दूसरे को मिठाई बांट यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस की खुशियों को सभी के साथ साझा किया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। 20,000 युवाओं को प्रदेश सरकार नौकरी देकर रोजगार प्रदान करेगी। प्रदेश में मुख्यमंत्री स्टार्टअप नई औद्योगिक योजना लागू की जा रही है। ये बात उद्योग, श्रम एवं रोजगार कल्याण मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हमीरपुर में आयोजित हिमाचल दिवस के अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कही। 17वें हिमाचल दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय समारोह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल हमीरपुर के ग्राउंड में आयोजित किया गया। समारोह में प्रदेश के उद्योग, श्रम एवं रोजगार कल्याण मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की तथा राष्ट्रीय ध्वज फहराया व शानदार मार्च पास्ट की सलामी ली। अपने संबोधन में अग्निहोत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सरकारी क्षेत्र में 43,353 युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया है व इसी साल 20,000 युवाओं को रोजगार दिलाने का सरकार ने फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री स्टार्टअप नई औद्योगिक योजना लागू की जा रही है। सत्र में हिमाचल दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई। हिमाचल के गठन और विकास में अपना योगदान देने वाले सभी महानुभावों को मैं इस मंच से कोटि कोटि नमन करता हूं। हिमाचल प्रदेश ने अपने अस्तित्व में आने के बाद विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है। आम आदमी का कल्याण सरकार की नीति व नियोजन का केंद्र बिंदु रहा है। मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार को सत्ता संभाले तकरीबन 4.25 साल हुए हैं। इस दौरान सरकार ने विकास और कल्याण को
अपना मुख्य एजेंडा रखा है और इसी के चलते सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 450 रुपए से बढ़ाकर 700 रुपए प्रतिमा किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने स्कूल स्वच्छता पुरस्कार योजना के अंतर्गत जिला हमीरपुर के उत्कृष्ट कार्य करने वाले 37 राजकीय उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक माध्यमिक तथा प्राथमिक पाठशालाओं को 6,70,000 रुपए की राशि की चेक तथा प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुधनगर की ओर से राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सहायतार्थ सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत राजकीय संस्थान सुधनगर में चलाए जा रहे कार्यक्रम एवं उपलब्धियां इस प्रकार हैं। ग्रामीण व शहरी बेरोजगार व पढ़े लिखे युवक युवतियों के लिए 6 मास के निःशुल्क तकनीकी एवं गैर तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाने का प्रावधान। इच्छुक व्यक्तियों को कोर्स जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, वेल्डिंग, सिलाई एवं कढ़ाई, ब्यूटिशियन, हेयर एवं स्किन केयर इत्यादि में प्रशिक्षण करवाया जाता है। प्रशिक्षण दौरान परीक्षणार्थी राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले 1,000 रुपए भत्ते हेतु पात्र होंगे। वर्ष 2018-17 के निर्धारित लक्ष्य 600 में कुल 528 युवक युवतियों, जिनमें से 338 युवक एवं 190 युवतियां सम्मिलित हैं, को निःशुल्क तकनीकी एवं गैर तकनीकी कोर्सेज में प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त 75 युवक युवतियां प्रशिक्षण ग्रहण कर रही हैं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर में दिव्यांग व्यक्तियों जिनकी दिव्यांग प्रतिशतता 40% से ऊपर हो, उनके लिए औपचारिक और अनौपचारिक तकनीकी प्रशिक्षण देने की विशेष व्यवस्था है तथा इस योजना के अंतर्गत सत्र 2017-18 के लिए तकनीकी शिक्षा में प्रवेश हेतु जानकारी निम्नलिखित प्रकार से है। अधिक जानकारी के लिए परियोजना अधिकारी एवं प्राचार्य राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर से संपर्क करें। सोलन के शुलूनी विश्वविद्यालय में विजनरी लर्निंग कम्युनिटी ऑफ इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ विश्व प्रसिद्ध प्रबंधन गुरु व पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर सोची शिवा ने किया। कार्यक्रम में शुलूनी विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्य और 8 उद्योगों भाग ले रहे हैं। बता दें कि उद्योग और शिक्षा की कार्यक्षमता और उत्पादकता में वृद्धि करना इस कार्यशाला का मुख्य लक्ष्य है। CII की प्रमुख सलाहकार डॉक्टर सरिता नागपाल ने कहा कि ये पहली बार है जब उत्तरी भारत में ऐसा कार्यक्रम लागू किया गया है। इस कार्यक्रम के लिए उद्योग और शिक्षा क्षेत्र एक साथ हुए हैं और परमाणु उद्योग क्षेत्र की 8 कंपनियां इसमें भाग ले रही हैं। उन्होंने कहा कि BLCI के माध्यम से ज्ञान का निर्माण और उसे साझा करना है। उद्योग और शिक्षा के बीच इस प्रोग्राम से सामान्य संरचना का विकास किया जाएगा। उन्होंने आशा जताई कि इससे हिमाचल देश का मैन्युफैक्चरिंग केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। इंडस्ट्री और एकेडेमिया इकट्ठे हुए हैं, आज मिल करके उन्होंने एक कार्यक्रम स्टार्ट किया है जो कि नॉर्थ इंडिया में पहली बार ऐसा प्रोग्राम स्थापित किया है। इस प्रोग्राम के जरिए नया मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट जो हम इस प्रोग्राम के थ्रू ला रहे हैं, फ्लो कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं, जिसके थ्रू फ्लो जो होगा इन कंपनीज के अंदर, चाहे वो मटेरियल का है या इन्फॉर्मेशन है या कैश फ्लो है, वो सारा फ्लो जो है इम्प्रूव होगा। उसके लिए इस प्रोग्राम के अंदर हमने जापनीज एक्सपर्ट्स को भी एंगेज करा है। आज हम सब ने मिलकर एक MOU साइन किया है जिसके थ्रू ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होगा। आज की तारीख में ये कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत रेलेवेंट है और इससे इंडियन मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उसका कॉम्पिटिटिवनेस और कई कई गुना बढ़ जाएगा। इस कार्यक्रम में जापानी से ऑपरेटिंग एजेंसी GICA द्वारा प्रायोजित जापानी विशेषज्ञों में प्रोफेसर सोजी शिवा और फुरहशी शामिल है। मीडिया से बातचीत में प्रोफेसर शिवा ने कहा कि देश की युवा पीढ़ी के कारण ही
BLCI के माध्यम से उन्होंने स्किल इंडिया का एक उत्कृष्ट मॉडल बनाने की कोशिश की है। उनके अनुसार देश के युवाओं की जनसंख्या हर रोज बढ़ रही है, लेकिन उद्योग के लिए जुड़ी कौशल और तकनीक की कमी होने के कारण उन्हें नौकरी मिलना मुश्किल हो रहा है। शिक्षा और उद्योग के बीच यहाँ एक बड़ा अंतर है। उन्होंने कहा कि BLCI प्रोग्राम द्वारा संकाय उद्योग में जाते हैं और उनके साथ काम करते हैं। कार्यक्रम के दौरान अर्जित ज्ञान से वह युवा पीढ़ी को प्रशिक्षित करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। भारत बुकिंग हॉलिडे मनाली द्वारा अपने 7वें स्थापना दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ऑफिस कर्मचारियों को उनके सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में मनाली विधायक गोविंद सिंह ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मनाली में भारत बुकिंग हॉलिडे ने अपना 7वां वार्षिक उत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया, जिसमें मनाली विधायक गोविंद सिंह ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। समारोह में पहुंचने पर विधायक का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय गान से हुआ। तत्पश्चात स्थानीय लोक गायक रमेश ठाकुर ने पहाड़ी गीत गाकर सबको नाचने पर मजबूर कर दिया। इसी बीच ऑफिस कर्मचारियों को उनके सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित भी किया गया। मनाली विधायक गोविंद सिंह ठाकुर ने प्रशासनिक अधिकारियों को इसके सफल आयोजन की बधाई दी और उनके द्वारा किए गए कार्यों की भी सराहना की। भारत बुकिंग भारत परिवार, यानी नाम भी वैसा और काम भी वैसा। आज तक बहुत बड़े बड़े जो कई तरह के काम करते हैं, लेकिन इनके साथ जो नौजवान बच्चे बच्चियां काम कर रहे हैं, ये उस बात की चिंता करते हैं कि सबके सब बच्चे ऑलराउंडर बने, ताकि दुनिया में कहीं भी जाए हर जंग में सबसे आगे रहे। आखिरकार मानव का स्वभाव क्या हो गया? हम इतने स्वार्थी हो गए, हमको लगता है हर आदमी मेरे उद्योग करने के लिए है, लेकिन क्या उस आदमी की पर्सनालिटी में निखार आ रहा है? क्या उसको आगे बढ़ने का हम कोई स्थान दे पा रहे हैं? जो अच्छा काम करता है उसको शाबाशी देते हैं, जिसमें थोड़ी कमी है उसको प्रेम से डांट डपट करते हैं कि भाई सुधरो। भारत बुकिंग हॉलिडे के MD कमल गौतम ने भी अपने विचार साझा किए। आज के कार्यक्रम के बारे में यह है कि आज हमारा 7वां वार्षिक महोत्सव है, इसमें लोगों को हमने अपना परफॉर्मेंस साल भर दिया था, उनको अवार्ड्स भी दिए गए हैं। और ये हमारी कंपनी 2010 में रजिस्टर्ड हुई, 7 साल हो गए हैं आज हमारी कंपनी को। हमें करीब 2 या 4 लोगों से शुरू करी थी कंपनी, और आज टोटल स्टाफ हमारी कंपनी में 105 से ऊपर है, करीब 108 लोग हैं हमारे। पर्पज और हमारा कि एम्प्लॉयमेंट देने का, अभी हमारा एक है कि 200 तक ले जाने का प्लान है इस साल, और आगे देखें फिर नेक्स्ट ईयर का क्या बनता है। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। यह रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। कांग्रेसियों को भाजपा में शामिल करने के लिए अभियान चलाएगी भाजपा। हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में बोले भाजपा नेता दीपक शर्मा। कृषि व बागवानी अधिकारियों के रोष प्रदर्शन ने 22वें दिन में किया प्रवेश। वर्ष 2011 से पंजाब की तर्ज पर संशोधित वेतनमान लागू किए जाने की उठाई है मांग। मंडी के मेथोडिस्ट चर्च में मनाया गया ईस्टर का उत्सव, लोगों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर लिया भाग। प्रभु यीशु मसीह के बताए मार्ग पर चलने का दिया गया संदेश।
मनाली में भारत बुकिंग हॉलीडे ने मनाया अपना सातवां वार्षिक उत्सव। विधायक गोविंद सिंह ठाकुर कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल।